आपका अपना पसंदीदा अलंसार टी शॉप अब पीली दरगाह मस्जिद उस्मानी गनी के सामने। आज ये अहम इत्तला दे रहा हूँ कि बारगाह यूसुफियन में जिसकी अकीदतमंद ना सिर्फ हैदराबाद हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के ममालिक में आपके अकीदतमंद रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब वहाँ पर आते हैं, और आप ये जानकर आपको हैरत होगी कि बारगाह यूसुफियन में नमाज पढ़ने के लिए जाने के लिए मुसल्लियों को काफ़ी तकलीफ हुई, क्योंकि ये जो पानी का मसला है, ये जो ड्रेन है, ये कुछ भी काम वक्फ बोर्ड के जो केयर टेकर है मिस्टर मस्तान वली साहब, इनको उस पर कोई तवज्जो नहीं जा रही। जो काम नहीं कराना है उन्होंने जालिया मुबारक को शहीद कर दिए, अपने जाती मकासिद के लिए नहीं मालूम किसके लिए करे उन्होंने, आखिर वजह क्या है भाई। हाँ, वहां पे पानी का मसला है, तहारत खानों का मसला है, पीने के पानी का मसला है, ये बरसात के पानी निकलने का मसला है। अरे दरगाह क्यों जो है ना पाक जगह पे तक जो है ना पानी जो है ना वो चले आ रहा है, वहां पे जो है ना मस्जिद में पानी घुस जा रहा है, जायरीन को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको तकलीफ हो रही है, तमाम लोग जो है ना बेहद जो है ना परेशान है कि अगर ये क्या हो रहा है, और वक्फ बोर्ड लापरवाही का सबूत पेश कर रहा है। खुद हमारा हर जिलाधीश बहतरम उल मकाम इज्जत है माप आली जनाब मोहम्मद मसीह अल्लाह खान साहब जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, आप भी अकीदत में है, लेकिन सर आपको किसी ना किसी तरीके से आपको और हुकूमत तेलंगाना को गुमराह कर नहीं मालूम क्या साजिश नापाक ये लोग कर रहे हैं। आप भी एक दफा फिर एक बार आप आओ बारगाह में, देखो कैसा पानी आज जो है आ गया है बरसात के बाद, एक छोटी सी बरसात के बाद क्या आलम होगा। आप देखो वक्फ चेयरमैन साहब और मस्तान वली के, प्लीज मस्तान वली के आप बातों में मत आओ, इंक्वायरी करो, उसके बाद आप जो भी है आगे कदम उठाओ, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वकीला इंजीनियर तमाम लोग अकीदत मंद है, सब लोग फिक्रमंद है, और आपके आपके इंतजार में है सब, क्योंकि बारिश अभी खत्म होने वाला नहीं, और 2 महीने बारिश का मौसम है। मेरे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब, मेरे प्यारे चेयरमैन साहब, मेरे मोहब्बत वाले चेयरमैन साहब, मेरे ईमानदार चेयरमैन साहब, प्लीज एक टाइम आप जो है आइए दरगाह पे, देखिए क्या आलम है, और मस्तान वली के ऊपर सख्त 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 निगाह रखिए, क्या चाह रहे हैं वो नहीं मालूम, आप उनके ऊपर निगाह रखिए, और जो भी एक्शन है आप वक्फ बोर्ड से एक्शन लेके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम अकीदतमंद को सुकून की सांस लेने दीजिए।